हमेशा भी बोलते थे कि यही चीज यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी आपको वो करना बाकी है, कोई बात नहीं। आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल अभी अपने पास है ये, और अभी अगले और कॉम्पिटिशन है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज़्यादा जोर लगाएंगे। चार और पांच थ्रो पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस मिली, 1-2 पे काफ़ी क्लोज था जी। उस समय आपका माइंड सेट क्या था कि आप मुझे क्या करना चाहिए? बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक की निकलेगी, थ्रो निकलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफ़ी अच्छे से लगाऊंगा, पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें। पहली थ्रो अच्छी ना लगे थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया, और मुझे मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोच रहा था रोइन के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली चल रहा था, मैं मतलब स्पीड में 100% नहीं जा पा रहा था। अगर मेरा स्पीड में रन में ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है, तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है और बस 100% रन में फास्ट भागना है और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज़ मुझे करनी है। भारत वालों को क्या बोलूंगा? हाँ जी, भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूँगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है, ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है।